આપના દિલ્હીના કેબિનેટ મંત્રી રાજેન્દ્ર પાલ ગૌતમ સુરતની મુલાકાતે પહોંચ્યા છે. સામાજિક સંગઠનોના આગેવાનો સાથે મુલાકાત કરી 57 વર્ષની બાદ પણ છૂત અછૂત આજે પણ યથાવત છે. શોષિત પીડિત પર વધી રહ્યા છે અત્યાચાર, તેવું કેબિનેટ મંત્રી રાજેન્દ્ર પાલ ગૌતમે જણાવ્યું છે. ભારતભરમાં જય ભીમ મિશનના માધ્યમથી લોકોમાં જાગૃતતા લાવવાનો પ્રયાસ. હજારોની સંખ્યામાં સુરત જિલ્લામાં બૌદ્ધ ધર્મ અંગીકારની અરજી કરવામાં આવી છે. ગુજરાતભરમાં મોટા પાયે ચલો બુદ્ધની ઓર એ મોટી સંખ્યામાં લોકો જશે બૌદ્ધ ધર્મમાં. સુરતમાં વિવિધ વિસ્તારોમાં સામાજિક કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપશે. અરવિંદ રાઠોડ, જીટીવી ન્યૂઝ, સુરત. गुजरात के दौरे पे है और खास करके सूरत में आए हैं, क्या कहेंगे, किस तरह का आपका जो कार्यक्रम है वो रहेगा आपका? बेसिकली मैं तो पूरे देश का भ्रमण कर रहा हूँ. राजनीति तो आम आदमी पार्टी कर ही रही है, हम लोग राजनीतिक लोग तो हैं ही और सरकार में मंत्री भी हैं, तो वो तो जिम्मेदारी हम बखूबी निभा रहे हैं. देश में न्याय का शासन हो, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय सबको मिले, लेकिन इसके साथ साथ हम एक सामाजिक व्यक्ति भी है. तो मैं तो गुजरात में मेरा आना भी सामाजिक दृष्टि से हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर कहीं मूंछ रखने पर हमारे आदमी की हत्या हो रही है, कहीं घड़े छुलेने पर हत्या हो रही है, कहीं हमारी बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार करके हत्या की जा रही है. और ऐसे में मैं देखता हूँ कि बड़े अधिकारी, बड़े नेता चुप्पी साथ देते हैं. छोटे छोटे किसी अगर कोई खिलाड़ी बीमार हो जाए तो प्रधानमंत्री जी भी उसको ट्वीट करते हैं कि आप जल्दी स्वस्थ हों, लेकिन जब हमारे लोगों की हत्याएं होती हैं उस पर चुप्पी साधे रखते हैं, उससे मन दुखता है. इसलिए पूरे देश में हम लोग जा रहे हैं, पूरे देश के अंदर समाज को तैयार कर रहे हैं कि भाई आप अपना मन बना लो, पूरा देश मन बना ले कि हमें भारत से प्यार है. अगर हमें भारत के संविधान से प्यार है तो फिर नफरत का वातावरण खत्म करना होगा. हम छुआछूत मुक्त भारत चाहते हैं, जातिवाद मुक्त भारत चाहते हैं, किसी भी प्रकार का न्याय किसी के भी साथ ना हो, ऐसा भारत चाहते हैं. उसके लिए हम लोग पूरे देश के अंदर जाके समाज से बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि आप लोग अगर भारत से प्यार करते हैं तो भारत के संविधान की भी इज्जत करिए. संविधान तो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है, सरकार तो समता, मैत्री, भाईचारे की, न्याय की बात करता है. फिर इस तरह का क्यों हो रहा है कि कहीं जाति पूछ के हत्या हो रही है, कहीं मूछ रखने पर हत्या हो रही है, कहीं घड़े छूने पर हत्या हो रही है, कहीं बहन बेटियों की बलात्कार करके उनको फांसी में लटकाया जा रहा है, इससे दिल दुखता है. राजनीति अपनी जगह है लेकिन न्याय की बात तो करनी पड़ेगी ना. उसके लिए मैं पूरे देश का भ्रमण कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ. और अच्छी बात यह है कि देश के अंदर न्याय पसंद लोगों की संख्या ज़्यादा है, ऐसे कम लोग हैं जो इस तरह की उत्पीड़न की घटनाएँ करते हैं. बाकी देश के लोग सब एकजुट हो जाएंगे न्याय की बात करें तो मुझे लगता है कि भारत निश्चित रूप से. आप जो है कैबिनेट मंत्री के साथ साथ जय भीम मिशन के भी प्रणेता है, तो खास करके जो लोग जा रहे हैं वो बौद्ध धर्म की ओर, हिंदू में से जा रहे हैं, तो गुजरात में कहीं टेक्निकली ज़्यादातर फॉर्म इतनी बड़ी संख्या में भरे गए हैं सूरत जिले की बात करें तो. देखिए भारत का संविधान देश के सभी लोगों को धार्मिक आस्था की आज़ादी देता है. मैं किसी भी प्रकार के धर्म परिवर्तन के खिलाफ हूँ. मैं तो इतिहास का छात्र रहा हूँ, हिस्ट्री को बहुत बारीकी से अध्ययन किया है, रिसर्च किया है इसके ऊपर. हमारा तो पूरा भारत बौद्धमय था और एक समय सम्राट अशोक के टाइम पर म्यांमार से लेके ईरान तक पूरा भारत बौद्धमय था. म्यांमार भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, नेपाल भारत का हिस्सा था, तिब्बत भारत का हिस्सा था, भूटान भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, ईरान भारत का हिस्सा था. आपको याद होगा जब तालिबान के साथ अमेरिका का युद्ध हुआ तो उस वक्त अफगानिस्तान के बामियान में इतनी बड़ी शिला में बुद्ध की प्रतिमा थी जिसको तोड़ने के लिए तालिबानियों ने तोपों का सहारा लिया और काफ़ी दिन लगे तोड़ने. जहाँ भी खुदाई होती बुद्ध निकलते हैं. पूरे इस साउथ एशिया में आप कहीं भी देखें जहाँ भी खुदाई होती है बुद्ध निकलते हैं. भारत के अंदर भी 2200 के करीब गुफाएं हैं, उसमें 2000 से ज़्यादा गुफाओं में हर जगह बुद्ध की कलाकृतियाँ, बुद्ध के अवशेष, बुद्ध कालीन जो संस्कृति है उसके अवशेष नज़र आते हैं. तो हम तो अपने भारत को बौद्ध में जो पहले से था
हम तो संस्कृति को मजबूत करने की बात कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे। बौद्ध का मतलब कोई धर्म नहीं है, ये बात पहले सबको समझना होगा। धर्म में और धम्म में अंतर है। धर्म धर्मशास्त्र से चलता है, धर्मशास्त्र के खिलाफ किसी को आवाज़ उठाने की आज़ादी नहीं है। धम्म प्रज्ञा से चलता है, धम्म बुद्धि और विवेक से चलता है। किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति धम्म को मान सकता है। धम्म पांच सील पर आधारित है, अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है। नशा नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, वो मध्यम मार्ग अपनाना है। जीवन में सबके कल्याण के लिए काम करना है, किसी भी प्रकार के नफरत के वातावरण को, विषमता के वातावरण को ताकत नहीं देनी है। बौद्ध धम्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। इस विचार के साथ हम पूरे देश में जन जागरण का काम मिशन जय भीम के माध्यम से कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति अपनी जगह और हमारा सामाजिक जीवन अपनी जगह, देश के प्रति हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, देश के संविधान के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी है। भारत में विषमता का वातावरण खत्म हो, छुआछूत खत्म हो, आपस में भाईचारा पैदा हो, सब लोग मिलकर भारत को मजबूत करें, सबके लिए कल्याण की भावना हो, इस भावना को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं हम लोग।